हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे, और मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं ये नूडल्स की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो बताइएगा नूडल्स की रेसिपी मेरी कैसी लगी आप लोगों को। और नूडल्स बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, बड़ों को भी पसंद होते हैं, किस किस को पसंद है बताना ज़रूर मुझे। तो चलिए देखिए मैंने किस तरीके से बनाया है नूडल्स। तो मैंने यहाँ पे चाउमीन को बॉईल कर लिया है, और बॉईल करने के बाद उसको मैंने ठंडे पानी से वॉश कर लिया, छलनी में छान लिया। और सब्जियों में मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च ली है, एक दो प्याज है, दो टमाटर ले रखा है। और फिर मैं इधर ऑयल गरम कर लूँगी, और गरम होने के बाद प्याज को काट के इसमें डाल लूँगी और प्याज को फ्राई कर लूँगी। और प्याज को फ्राई करने के बाद जो मैंने शिमला मिर्च को काटी हुई है उसको काट ली थी, उसको भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी ताकि मेरी शिमला मिर्च भी पक जाए थोड़ा सा। शिमला मिर्च पकने के बाद फिर इसमें टमाटर मैंने काट लिए थे उसको भी मैं ऐड कर दूंगी ताकि मेरे टमाटर भी अच्छे से पक जाए। और फिर मैं इसमें वाइट सिरका विनेगर डालूंगी और सोया सॉस ऐड करूंगी। और अगर आपके पास ये नूडल्स मसाला है तो वो भी ऐड कर लीजिए, मेरे पास नहीं है तो मैं नॉर्मल ऐसे ही सादा ही बनाऊंगी। बच्चे मेरे मिर्च मसाले वगैरह ज़्यादा नहीं खाएंगे, मसाला डाल दूंगी। तो इसमें नमक भी डाल दिया ताकि मेरी जो सब्ज़ियाँ वो अच्छे से पक जाएँ। आप चाहें तो इसमें और भी सब्ज़ियाँ ऐड कर सकते हैं। और बनाते ही समय मैं टमाटो सॉस भी ऐड कर देती हूँ, इससे टेस्ट और भी अच्छा आता है। और आपको चाहिए तो फिर आप बाद में भी इसमें और भी ऐड कर सकते हो, टमाटो सॉस ऊपर से भी ले सकते हैं, बट मैं बनाते समय ही ज़्यादा ऐड करती हूँ टमाटो सॉस। तो इसी तरीके से इसको मिक्स करके फिर जो मैंने नूडल्स बॉईल किए हैं इसको मैं इसमें मिक्स कर दूँगी, अच्छे से चला लूँगी, तो बस बन जाएगा मेरा नूडल्स। नूडल्स भी मेरे तैयार हो गए। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगे? वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।